संस्कृत में तुम्हें वर्षा ऋतु के बारे में जानकारी देंगे। जी दीदी। संस्कृत में पाठ पढ़ते हैं। आशुतोष, तुम इसकी शुरू पहले वाला पढ़ो, पहला वाला अनुच्छेद पढ़ो। आकाशम, तुम लोग ध्यान से देखो अपनी किताब में। आकाशम मेघा छन्नम छन्नम वर्तते, वर्ष वर्ष वर्षा निकटे अस्ति, जल वर्ष जल वर्षण वर्षणेन जल वर्षणेन बालानाम जनानाम च महान आनंदे आनंदो आनंदो भवति भविष्यति भविष्यन्ति। नीरा, जहाँ से आशुतोष ने छोड़ा इसके आगे से तुम पढ़ो। वृक्षेषु नमक नमीनानि पत्राणि उद्भवति भविष्यन्ति उद भविष्यन्ति हाँ प्राचीनानि हाँ पत्राणि हाँ पति व्याशन्ति पतिष्यन्ति पति व्यशन्ति पतिष्यन्ति अति विश पतिश बोलो जा पति पतिश पतिश शांति शांति हाँ प्रशेण पत्रेषु पत्रेषु वर्षा जलम मधुरम ध्वनिम 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 कश्यन्ति करिष्यति करिष्यन्ति। हाँ शाबाश। आगे तुम पढ़ो गौरव। अध्यापक हाँ देवदत्त, किताब अपने हाथ में ले लो थोड़ा हाँ ठीक से पढ़ो। अध्यापक हाँ देवदत्त, त्वं कथ वर्षायाः अनन्तरं कृषका किं किं कार्यं करिष्यन्ति। देवदत्त, गुरु वर्षायाः अनन्तरं कृषका क्षेत्रेषु धान्यं वप्स्यन्ति, एतेन धान्यं भविष्यन्ति। धान्यं दृष्ट्वा कृषकाणां हृदयं प्रफुल्लितं भविष्यति। अध्यापकः, वर्षाकाले जनाः किमपि कष्टम् अनुभविष्यन्ति। देवदत्त, गुरु वर्षाकाले बहु कष्टं भविष्यति। धीमे धीमे जल्दी नहीं, भूमि पंकिला भविष्यति, येन जनाः भूमौ पतिष्यन्ति, जलस्य अधिकतया मार्गः अवरुद्धा भविष्यन्ति, गमनागमने बाधा आगमिष्यति, मेघागर्जनं करिष्यन्ति तथा विद्युत्पाता अपि भविष्यति, येन जनाः भयभीता भविष्यन्ति। एतत् सर्वं कष्टकरम् एव, तथापि अयं ऋतु जाननं जनानां कृते अतीव सुखकारो वर्तते। सुखकरो वर्तते। शाबाश। अच्छा बच्चों, हम लोगों ने भी यह इस पाठ को पढ़ा, तो कुछ शब्द तुम लोगों को इसमें कठिन लग रहे होंगे। जी दीदी। क्या लिखा हुआ है ये? मेघा आशुतोष को बोलने दो। आशुतोष बोलो। मेघा छन्नम मेघ माने बादल, और मेघों से ढका हुआ, आछन्न माने ढका हुआ, तो मेघा छन्नम माने क्या हुआ? बादलों से ढका हुआ। अच्छा, ये दूसरा शब्द देखो तुम। अच्छा। बताओ गौरव, देखो इधर। उद्भविष्यन्ति इसके माने उत्पन्न होंगे, भविष्यकाल है। अगर उद्भविष्यति होता तो उत्पन्न होता है, और अगर भविष्य में होगा तो क्या हो जाएगा? उद्भविष्यन्ति उत्पन्न होंगे। ये देखो पतिष्यन्ति ये भी भविष्यकाल हो गया, इसके माने क्या हुआ? गिरेंगे। ये क्या लिखा हुआ है तुम बोलो नीरा? अनंतरम माने बदल बाद में, इसके बाद में
ये बोलो क्या लिखा हुआ है गौरव, बोलो इधर देखो। वप्स्यन्ति 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 माने बोएंगे। कौन बोएगा? किसान। शाबाश। ये क्या लिखा हुआ है तुम बोलो? पंकिला माने कीचड़। बारिश जब होती है तो कीचड़ हो जाता है, पानी मिट्टी में मिलता है, तो पंकिला माने कीचड़। ये क्या लिखा हुआ है इधर देखो? विद्युत पाता माने बिजली का गिरना। बिजली का, शाबाश। तो तुम लोगों को अर्थ इसके स्पष्ट हो गए, क्लियर हो गए? चलो अब इसके बाद हम इसको फिर से पढ़ते हैं और तुम्हें इसका अर्थ हिंदी में बता देते हैं। आकाशम मेघाच्छन्नम वर्तते। वर्षा ऋतु में क्या होता है? आकाश में बादल छा जाते हैं। वर्षा निकटे अस्ति। वर्षा निकट है, बहुत पास में होने वाली है, बिल्कुल। जल वर्षणेन बालानाम जनानाम च महान आनंदो भविष्यति। जल वर्षा से, पानी बरसने से बच्चे और बड़े सभी को बहुत आनंद प्राप्त होगा। वृक्षेषु नवीनानि पत्राणि उद्भविष्यन्ति। वृक्षों में नए पत्ते उत्पन्न हो जाएंगे। प्राचीनानि पत्राणि पतिष्यन्ति, और पुराने पत्ते गिर जाएंगे। पत्रेषु वर्षा जलम मधुरम ध्वनिम करिष्यति। पत्तों पर वर्षा का जल मधुर ध्वनि करेगा। जब आवाज आती है तो बहुत आवाज वो बहुत अच्छी लगती है। अध्यापक, तुम अपनी किताब में एक चित्र देख रहे होगे कि इसमें अध्यापक और कक्षा का चित्र है। तो अध्यापक कक्षा के बच्चों से पूछ रहा है, उसमें एक बच्चा है देवदत्त। देवदत्त तुम कथय वर्षाया अनंतरम कृषिकः किम कार्यम करिष्यन्ति। देवदत्त तुम बताओ वर्षा के बाद किसान क्या क्या काम करेंगे। देवदत्त बोलता है, गुरु वर्षाया अनंतरम कृषिकः क्षेत्रेषु धान्यम वप्स्यन्ति। गुरुजी वर्षा के बाद किसान खेत में धान बोएंगे। एतेन धान्यम भविष्यन्ति, जिससे धान पैदा होगा। धान्यम दृष्ट्वा कृषकाणां हृदयम् प्रफुल्लितम् भविष्यति। धान को देख करके किसानों का हृदय प्रफुल्लित खुश हो जाएगा। अध्यापक फिर से प्रश्न करते हैं अपने बच्चों से, वर्षा काले जनः किमपि कष्टम् अनुभविष्यन्ति। अच्छा ये बताओ कि वर्षा काल में लोगों को कष्ट क्या होता है, तकलीफ क्या होती है? देवदत्त कहता है, गुरु वर्षा काले बहु कष्टम् भविष्यति। गुरुजी वर्षा काल में बहुत कष्ट भी होता है। भूमि पंकिला भविष्यति, जो जमीन है वो कीचड़ युक्त हो जाती है। ये जनह भूमो पतिष्यन्ति, जिससे लोग जमीन में गिर जाते हैं। फिसल जाते हो कभी? जी। फिसल जाते। जलस्य अधिकतया मार्गः अवरुद्धा भविष्यन्ति, और पानी बहुत ज्यादा पानी हो जाने से रास्ते बंद हो जाते हैं। गमना गमने बाधा आगमिष्यति। गमना गमने आने जाने में, जाने और आने में बाधा रुकावट आ जाती है। मेघा गर्जनम करिष्यन्ति, बादल गरजते हैं। तथा विद्युत पाता अपि भविष्यति, जिससे क्या होता है, बिजली भी गिर जाती है। ये जनाः भयभीता भविष्यति, जिससे लोग डर जाते हैं। एतः सर्वं कष्टकरमेव, और ये सब कष्टदायी होता है। तथापि अयम ऋतु जनानां कृते अतीव सुखकरो वर्तते। फिर भी
इतना कष्ट होने पर भी ये ऋतु सभी लोगों को बहुत ही सुखदायी है, सबको बहुत ही सुख देने वाली और अच्छी लगने वाली लगती है। समझ में आ गया पाठ? जी जी, जी।